Today we are going to complete this chapter, the final part, that is matrix multiplication. So I've introduced the matrix multiplication to you in the last lecture. Today we'll do some more examples based on matrix multiplication. Okay, let's see. Okay, so this is our question. If matrix A is 0, 2, 5, minus 2 and matrix B is 1, minus 1, 3 and 2 and I is an unit matrix or identity matrix of order 2 by 2, then find AB, BA, AI, IB, A square and B square times A. ठीक है? तो क्लियरली यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है. प्लीज़ पे अटेंशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. लास्ट टाइम हमने सीखा था, टुडे इज़ गोइंग टू बी द रिवीजन ऑफ द सेम एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन टू डू द रिवीजन बिकॉज बहुत ही बेसिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 2 by 2. देखो मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैट्रिक्स बी भी लिखा हुआ है. आई इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. तो आई की वैल्यू होगी 1 0 0 1, राइट? इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, मतलब ये सारे मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल है. ठीक है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है कंपैटिबिलिटी का. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन. That is AB. AB कैसे करते हैं? पहले मैं लिखूंगा matrix A which is 0, 2, 5, minus 2. ठीक है, फिर multiplication किसके साथ है? 1, minus 1, 3, 2. दोनों का order 2 by 2 है तो multiplication तो हो सकता है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ. या बट बिफोर आई गो अहेड, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, इसका ऑर्डर 2 by 2 है. कोई मुझे बता सकता है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2. एग्जैक्टली, प्रोडक्ट का भी ऑर्डर 2 by 2 ही होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये 2 मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल है. तो बाकी जो बचते हैं, मतलब ये और ये 2, ये नंबर्स दे शो द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया. सो ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट भी 2 by 2 है, ये समझ में आता है. मतलब हमारे पास 4 एलिमेंट हो गए, 2 रोज होगी और 2 कॉलम्स होगी, और हर एक रो और कॉलम में 2-2 एलिमेंट होंगे, राइट? मतलब 4 एलिमेंट है हमारे पास टोटल. बट इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन्ड यू द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वी विल फर्स्ट टेक द फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, हाईलाइट किया है मैंने. वी विल फर्स्ट टेक द फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई इट विद द एंटायर फर्स्ट कॉलम. ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन से हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा हमारे प्रोडक्ट का. कैसे? देखो, 0 times 1, 0 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूँ डेलिबरेटली. 0 times 1 plus 2 times 3, ये 2 और ये 3, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना है. सो 2 times 3 और बीच में प्लस की साइन. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. अब सेकेंड एलिमेंट कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज बनाना है तुम्हें. मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा. सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे आएगा, उसी
रो को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? सेकंड एलिमेंट के लिए मैं अभी भी मेरी फर्स्ट रो में ही हूँ, आई एम स्टिल इन माई फर्स्ट रो। नाउ आई विल मल्टीप्लाई माई फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम, आई मल्टीप्लाई माई फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम टू गेट द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, थोड़ा स्पेस देता हूँ बिकॉज दैट्स अ सेकेंड एलिमेंट ऑफ माई प्रोडक्ट। ज़ीरो टाइम्स माइनस वन, ज़ीरो टाइम्स माइनस वन प्लस, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, टू टाइम्स टू। तो ये आ गया तुम्हारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं जाऊंगा मेरे सेकेंड रो में, प्रोडक्ट के सेकेंड रो में, और प्रोडक्ट के सेकेंड रो में जाने के लिए नाउ आई एम गोइंग टू टेक द सेकेंड रो ओवर हियर, जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई सेकेंड रो विच इज़ फाइव। फाइव को मुझे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स के साथ पहले, ठीक है, फर्स्ट रो। सो फाइव टाइम्स वन प्लस माइनस टू टाइम्स थ्री, एंड अब मैं सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, स्पेस दे के फाइव टाइम्स माइनस वन प्लस माइनस टू टाइम्स टू। और यहाँ पे ये मैट्रिक्स का ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर दूँ, दिस इज़ माय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको ओरली भी कर सकते हैं। ज़ीरो टाइम्स वन इज़ ज़ीरो प्लस टू टाइम्स थ्री इज सिक्स, ज़ीरो प्लस सिक्स इज सिक्स, ज़ीरो इंटू माइनस वन इज़ ज़ीरो, टू टूज आर फोर, फाइव वन्स आर फाइव, और यहाँ पे आएगा माइनस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस फाइव इज माइनस वन, फाइव इंटू माइनस वन इज माइनस फाइव, और यहाँ पे आएगा माइनस फोर, मतलब ये आएगा माइनस नाइन। नंबर्स कुछ भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। जो एलिमेंट्स हैं मेट्राइसिस के, इट्स नॉट फिक्स्ड कि हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए या इंटीजर्स ही होने चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, बट दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रोडक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 9C, कैन यू प्लीज चेक दिस इन द टेक्स्ट बुक द आंसर। इज इट करेक्ट? ओके, ग्रेट, ठीक है। सो ये किसी को अभी भी डाउट है कि कैसे करते हैं? एनी वन हैज एनी डाउट हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? ओके, ठीक है। सो आई विल गिव यू टाइम नाउ, ठीक है, एंड इन दैट टाइम यू विल फिनिश द सेकेंड वन। सेकेंड वन तुम्हें करना है, और तुम्हारा टाइम जो इसको करने के लिए वो है सिर्फ दो मिनट, ठीक है। सो लेट मी गेट द क्लॉक फॉर यू, व्हेन आई से स्टार्ट देन ओनली यू स्टार्ट। एडिट कैसे करते हैं यार? दिस इज बेटर, लेट मी जस्ट
चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट्स। बी मल्टीप्लाइड बाय ए, कंपैटिबिलिटी तो है लेकिन पहले बी लिखना है फिर ए लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। सम पीपल माइट बी थिंकिंग कि ए टाइम्स बी और बी टाइम्स ए तो सेम ही होता है, ऐसा नहीं है। तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर तुम्हें समझेगा। कम ऑन, 30 सेकेंड्स आर ऑलरेडी अप। आई हैव गिवन यू जस्ट 2 मिनट्स। सर डन, वेरी गुड, सर डन, वेरी नाइस। सम पीपल आर डन विद इन अ मिनट। ओके, आई रिकमेंड दैट यू जस्ट क्रॉस चेक योर आंसर। एक बार देख लो तुमने सही किया है, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं किया, बिकॉज देयर आर मेनी चांसेस। ओके, टाइम इज अप। सर लेट्स चेक द आंसर। सो द सेकेंड वन विच इज बी ए, कैन यू टेल मी द आंसर एनी वन? माइनस 5 4 10 2। माइनस 5 4 10 2। कैन एनी वन कन्फर्म दिस? आर्यन इज इट करेक्ट? सिद्धि यस इज इट सर, करेक्ट? ओके ग्रेट, वेरी नाइस। सो दोज हु हैज़ ऑलरेडी गॉट दिस आंसर विद इन 2 मिनट्स, वेरी वेल, तुम लोग ने सीख लिया है मल्टीप्लीकेशन। और जिनको ये आंसर नहीं आया है उनको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो एज़ यू कैन सी दैट देर आर मैनी मोर क्वेश्चन इन द सेम सब क्वेश्चंस। देर आर मैनी अदर सब क्वेश्चन इन द सेम क्वेश्चन। थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। अब इसमें मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व बाय योर ओन व्हेन यू डू द होमवर्क। ओवरऑल आई फील दैट यू हैव अंडरस्टूड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नाउ, बट स्टिल यू रिक्वायर सम हिंट्स विच आई एम गोइंग टू गिव यू। तो पहले तो ए आई, आई की वैल्यू यहाँ पे है, ए हमें दिया हुआ है, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सेम वे में आई बी को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया हूँ तुम्हें कि बी ए और ए बी इक्वल नहीं है, ठीक है? सो दैट इज़ वन थिंग अबाउट मेट्राइसिस, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब तुम दो मैट्रिसेस को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। करोगे, अगर ऑर्डर चेंज करोगे आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है? इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो। मतलब वो जो इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स वाले जो रूल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। मेट्राइसिस का जो मैथमेटिक्स है वो पूरा अलग है, ठीक है? ए आई आई बी में कोई इश्यू नहीं है। ए स्क्वेयर में क्या करना है तुम्हें? ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट ए स्क्वेयर। बी स्क्वेयर ए में
सबसे पहले यू विल मल्टीप्लाई बी बाई बी, ठीक है, तो तुम्हें बी स्क्वायर मिल जाएगा। फिर ये बी स्क्वायर का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करोगे तुम ए के साथ, तो तुम्हें बी स्क्वायर ए मिलेगा। सो यहाँ पे दो दो मल्टीप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में, देर आर टू मल्टीप्लीकेशन, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। सो बाकी के क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे एज होमवर्क। सो आई एम मूविंग अहेड। दिस इज इंटरेस्टिंग, दे आर सेइंग इफ एक्स, फाइंड एक्स एंड वाई इफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मेट्रिक्स गिव्स यू वाई एट। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 4 3x, एक्स एंड माइनस टू, इट इज़ 2 बाई 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5 1 से। इसका ऑर्डर है 2 बाई 1, दो रोज और एक कॉलम है इसमें, और इसका जो आंसर है y8, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 1 है। और यहाँ पे तुम अगर देखोगे कंपैटिबिलिटी है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, और जो बाकी बचे हुए नंबर है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कंपैटिबिलिटी तो है। कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, सो वी कैन डू दिस वन। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट, सिंपल, एंड देन द सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम टू गेट द सेकेंड एलिमेंट। दो ही तो एलिमेंट है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, बट लिखना कैसे है इसको। सो 4 टाइम्स 5 दैट इज 20, प्लस 3x टाइम्स 1 विच इज 3x, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब सेकेंड रो को ले लूँगा मैं यहाँ पे, सेकेंड रो इज एक्स एंड माइनस टू, और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। सो एक्स टाइम्स 5 इज 5x, एंड प्लस माइनस 2 टाइम्स 1 विच इज माइनस 2, ठीक है, हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन ख़त्म है। यहाँ पे है y8। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर दोनों मेट्राइसिस इक्वल हैं और दोनों का ऑर्डर भी सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इसका मतलब है कि 20 प्लस 3x शुड बी इक्वल टू y, एंड 5x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 8। तुम्हें x और y ढूंढना है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को सॉल्व करो और x निकाल लो, एंड देन एक्स की वैल्यू को यू हैव टू सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, देन यू विल फाइंड वाई। प्लीज फाइंड एक्स एंड वाई। सर एक्स इज 2 एंड वाई इज 26। एक्स इज 2 एंड वाई इज 26। अदर्स प्लीज कंफर्म दिस। ओके, इट्स करेक्ट सर, एक्स इज 2 एंड वाई इज 26। वेरी गुड, ठीक है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे ऐसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। Prince, Yash, are you getting these answers? Yes. Okay, great. What about Krishab? Good. Amarin? Bhargav, I cannot see you. Your cam is not working, I think. Okay, next question. ए बी और सी तीन मेट्राइसिस है, तुम्हें ढूंढना है ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b, ठीक है। मैं तुम्हें 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ इसमें। आई कैन गिव यू द टाइम अप टू 5 मिनट्स, यू कैन ईजिली डू इट, योर टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आई एम गिविंग यू हिंट वाइल यू आर सॉल्विंग इट। ए स्क्वायर मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर अलग से निकाल लो। फिर ए सी, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, 5b तो बहुत ईजी है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और फिर उनकी वैल्यूज इक्वेशन में डाल लो, सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। यू हैव 5 मिनट्स।
2 minutes are over. Okay, how many of you are done? Raise your hand, please. Okay, I see 1, 2, 3, 4. Okay, 5. 5 people already done. Good, very nice. We have around 30 seconds left. Be ready with your answer, I'll ask you. Those who are done within 5 minutes, very good. Good job. Those who are not done, take some extra time, no problem. I'm just writing the answer over here. What is the answer? Can you tell me? Those who are done. Minus 23. Minus 23. 76. Sorry? 3176. Is this correct? Yes, sir. Okay. Let's see if the others can get it. On your system. ओके मेरे को एक थोड़ा डिटेल्स दे दो इसमें. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर? 4004. ओके परफेक्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? -7, -8, -2 and -8. ग्रेट. एंड व्हाट इज 5b? 25 -15. अगर तुम्हारी सबकी ये वैल्यूज करेक्ट है जिसका आंसर नहीं आया है तो तुम सही जा रहे हो. फिर तुम्हें सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू डालनी है. बट अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई आंसर गलत है दैट मीन्स यू हैव मेड सम मिस्टेक. यश प्रिंस कैन यू प्लीज चेक ये तीनों करेक्ट है क्या? सॉल्व कर रहा हूँ. कहाँ पे कौन से पे हो तुम?
सर माइनस कर रहा हूँ पूरा बाकी। अच्छा, ये सब करेक्ट आया, ये तीनों देखो। ओके करेक्ट है सर। व्हाट अबाउट यू कृषभ? ओके ग्रेट, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी दो मेट्राइसेस हैं। यू हैव टू फाइंड ए प्लस बी द होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड यू हैव टू से वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अब तुम सोच रहे होंगे कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, बट क्या ये आइडेंटिटी मेट्राइसिस पे एप्लीकेबल है? नहीं है। मेट्राइसिस हमारे एल्जिब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करते, नॉर्मल एरिथमेटिक के रूल्स को भी फॉलो नहीं करते, ठीक है? तो बहुत इजी है ये, इसको सॉल्व करना। सबसे पहले विल फाइंड ए प्लस बी एंड देन विल स्क्वायर इट। ए प्लस बी सीधा मैं ओरली निकाल सकता हूँ, दोनों को ऐड कर सकते हैं, कंपैटिबल है फॉर एडिशन। 1 + 1 = 2। मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, इफ़ यू नोटिस 4 + 2 = 6, ठीक है। 1 + -1 = 0 एंड -3 - 1 = -4। ये हो गया तुम्हारा ए बी, ठीक है। तुम्हें इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है मतलब ए प्लस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी, दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही चीज़ को, सो दैट इज 2 6 0 4। चलो ओरली ट्राई करते हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तुम्हारी। 2 6 0 4, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऑफ कोर्स जो आंसर है वो 2 by 2 के फॉर्म में होगा। सो 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस 6 times 0 = 0। सो आंसर यहाँ पे 4 रहेगा। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में चले जाएंगे हम लोग। 2 6 ज़ा 12 प्लस 6 4 ज़ा 24। तो 12 + 24 = 36। ओके सेकेंड रो में चला गया मैं। 0 times 2 = 0 प्लस 4 times 0 = 0, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। एंड सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम में चला जाऊँगा। 0 times 6 = 0 प्लस 4 times 4 = 16। यस सर 36 नहीं आएगा। 12 + 24 है ना सर, माइनस में आएगा ना? क्यों माइनस? अच्छा वो माय गॉड, आई डिड नॉट टेक माइनस साइन हियर। माइनस 12 आएगा तो माइनस, आई एम सॉरी आई डिड नॉट टेक द माइनस साइन देयर, आई विल डू इट अगेन। वेट बाकी सब मुझे नहीं लगता करेक्ट। सर मेरे को आंसर 4 0 4 - 12 = 0 16। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। So this is मुझे भी वही आंसर है। This is 6 I'm sorry, this is 2 6 ज़ा 12 and 6 × -4 = -24। 12 + -24 = -12। You are correct, -12 आएगा। और second row में जब हम जाएंगे, so 0 × 6 = 0 and 4 - 4 times - 4 = -16। 0 - -16 = 16। क्या ये है आंसर? ओके ग्रेट। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर आ गया अपने पास, ठीक है। अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए टाइम्स ए, विच इज 1 4 1 - 3 टाइम्स 1 4 1 - 3, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 + 4 = 5। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 4 ज़ा 4 प्लस 4 × -3 which is -12, 4
प्लस माइनस 12 और 4 माइनस 12 इज माइनस 8, करेक्ट। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं ओरली कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ विजुअलाइजेशन पे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, उस ऑर्डर में आगे बढ़ना है। अब मैं सेकेंड रो पे आ चुका हूँ, सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1, प्लस माइनस 3 1 जा माइनस 3, सो 1 माइनस 3 इज माइनस 2। उसके बाद है तुम्हारा रुजन लॉग इन प्लीज, उसके बाद है माइनस 3 टाइम्स, सॉरी सेकेंड रो इनटू सेकेंड कॉलम, सो 1 4 जा 4 एंड माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 इज 9, सो 4 प्लस 9 इज 13। इज दिस करेक्ट? यस सर। ए स्क्वायर, ओके। किसी ने बी स्क्वायर निकाला है क्या ऑलरेडी? प्लीज सेव माई टाइम। बी स्क्वायर, वी नीड बी स्क्वायर। सर मेरा आ गया है 20। बताओ ना। -0 -1 0 0 -1 -1। ओके, नाउ लेट अस फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 5 5 प्लस -1 दैट इज 4, -8 प्लस 0 इज -8, -2 प्लस 0 इज -2, एंड 13 -1 इज 12। ओके, सो वी सी ओवर हियर के ए प्लस बी द होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे नो लिखेंगे हम। प्लीज चेक कर लो आंसर एक बार, दिस इज 11th क्वेश्चन। प्लीज चेक व्हाट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर एंड व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट करेक्ट? इज आर आंसर करेक्ट? सर इट इज करेक्ट। ओके ग्रेट। ओके, ये हमने पहले किया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, चलो यू गाइस कैन डू इट। चलो आई विल गिव यू 3 मिनट्स फॉर दिस, स्टार्ट सॉल्विंग दिस। इट्स वेरी इजी, कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। Okay, tell me what is x and what is y. Sir, x is 4 and y is -3. X 4, y minus 3. Did you check the answer? Yes, sir. Okay, great. Okay, now this is a very interesting question, which is very different from whatever we have done till now. Abhi tak jo bhi question ki hai, usse bahut alag question hai. If A is 2, 1, 1, 3 and B is 3 and minus 11, find the matrix X such that AX is equal to B. ध्यान से देखो, please copy मत करो, समझने की कोशिश करो। लिखोगे साथ में मुझे problem नहीं है, but try to understand, don't skip that. So we have to find a matrix X, ठीक है? अब ये जो matrix A है, उसका order क्या है? 2 by 2. टाइम्स मैट्रिक्स एक्स, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर मुझे नहीं पता है, तो इसको मैं ले लेता हूँ एम बाय एन। और मैट्रिक्स बी इसका प्रोडक्ट है, उसका ऑर्डर क्या है? तो मैट्रिक्स बी एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 बाय 1, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स एक्स हमें ढूंढना है, हमें सिर्फ मैट्रिक्स नहीं ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड इट्स ऑर्डर एज वेल, वी हैव टू फाइंड इट्स ऑर्डर एज वेल, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स देर मस्ट बी अ कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है
कि m शुड बी इक्वल टू 2, m शुड बी इक्वल टू 2, m 2 से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, हमें ये जो नंबर ऑफ रोज है फर्स्ट मैट्रिक्स की, दैट इज़ द नंबर ऑफ रो ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे तो मैच कर रहा है, बट यू शुड नॉट फॉरगेट दैट नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, दैट इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि n की वैल्यू 1 है, मतलब मुझे पहले तो m और n की वैल्यू ढूंढनी थी, वो मिल गई, ठीक है। सो m और n की वैल्यू है 2 एंड 1, मतलब मैट्रिक्स x का जो ऑर्डर है दैट इज 2 by 1, ठीक है, 2 1 1 3 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स x जिसका ऑर्डर है 2 by 1, मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब ये अननोन मैट्रिक्स है, इसके अंदर के एलिमेंट मुझे नहीं पता है, तो इसमें एलिमेंट मैं लिखता हूँ a और b, आई डोंट नो द एलिमेंट्स, राइट, आई हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स। तो पहले मैंने उसका ऑर्डर निकाल लिया और फिर उसी ऑर्डर में मैंने दो अननोन वेरिएबल्स डाल दिए जिसको मुझे ढूंढना है, इज इक्वल टू 3 and -11, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, हमें पता है इसको क्या ऑर्डर मिलने वाला है हमें, 2 times a इज 2a प्लस 1 times b इज b, देन सेकेंड रो ले लेता हूँ यहाँ पे और फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 times a इज a एंड 3 times b इज प्लस 3b, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 and -11, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे विल गेट 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 एंड a प्लस 3b इज इक्वल टू -11, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ दीज आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एनी मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तुम्हें जो मेथड याद है जो तुमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, उस किसी में उनमें से किसी भी एक मेथड का यूज़ करो और ए और बी की वैल्यू निकालो। अभी प्लीज फाइंड ए एंड बी, वेरी नाइस, ए इज 4 एंड बी इज -17, प्लीज कंफर्म, बी इज इक्वल टू -5, लेट्स, यस सर, ओके सर, ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू -5, ओके, यहां पे एक गलती है, आर्यन प्लीज चेक योर आंसर, हां हां सर मैंने चेक किया, बी इज इक्वल टू -5, सर मैं माइंड कैलकुलेशन करने गया था, नो बट इट्स ओके, यू आर, यू विल लर्न दैट वे ओनली, सो यू हैव टू, नाउ इट इज राइट टाइम टू प्रैक्टिस मेंटल कैलकुलेशंस, तुम्हें स्ट्रांग करने पड़ेंगे, बेसिक एग्जाम में तुम्हें वही हेल्प करेगा। ठीक है, सो दिस वॉज बेस्ड ऑन मैट्रिक्स इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मैट्रिक्स ए दिया है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 by 3, तुम्हें ए टी टाइम्स ए निकालना है और ए टाइम्स ए टी निकालना है। नाउ रिमेंबर व्हाट इज ए टी, ए टी इज ए ट्रांसपोज, तुम्हारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर तुम्हें ए टी निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली सारे रोज को कॉलम बना देना है और कॉलम्स को रोज, ठीक है। सो दिस मैट्रिक्स विल बिकम लाइक दिस, 2 0 1 1 -1 -2, इसका जो ऑर्डर है नाउ इट विल बिकम 3 by 2, पहले जो ऑर्डर था वो था 2 by 3, ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर पूरा रिवर्स हो गया,
So this is what happens in matrix multiplication. I'm sorry, transpose. Now we have to check for the compatibility for matrix multiplication. Now see, AT times A. AT का order क्या है? AT का order है 3/2 और A का order है 2/3. Are they compatible for multiplication? Yes, they are compatible for multiplication. अब suppose product है इसका B. Product का order क्या होगा? कौन बता सकता है? So, 3 by 3, right? And what about A times AT? A ka order hai 2 by 3, AT ka order hai 3 by 2. So, answer suppose C hai, C ka order kitna hoga? 2 by 2. Matlab, dono case mein multiplication compatible hai, multiplication ho sakta hai. But dono case mein jo product hai, uska order pura alag hai. दोनों केस में यू आर गेटिंग स्क्वायर मैट्रिक्स बट द फर्स्ट केस इज गिविंग योर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड द सेकंड केस इज गिविंग योर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 सो यहां पे मल्टीप्लिकेशन में यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज यू कैन मेक मिस्टेक्स ओवर हियर लेट्स डू द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन यू कैन डू इट योरसेल्फ फर्स्ट वन मैं करता हूँ तुम लोग के साथ सो ए टी टाइम्स ए टू जीरो वन वन माइनस वन माइनस टू सर आई गॉट द फर्स्ट वन वेरी नाइस बहुत अच्छे है आप सेकेंड वन कर सकते हो इफ यू वांट टू वन माइनस वन जीरो वन माइनस टू मेरा आंसर है वो 3/3 वाला मैट्रिक्स है ठीक है सो आई विल गो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम तीन एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे ओरली कर रहा हूँ मैं टू टू ज़ा फोर प्लस ज़ीरो टाइम्स ज़ीरो इज ज़ीरो सो यहाँ पे फोर आ जाएगा देन फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम टू वन ज़ा टू एंड ज़ीरो टाइम्स वन इज ज़ीरो तो यहाँ पे टू आ जाएगा देन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू प्लस ज़ीरो इंटू माइनस टू इज ज़ीरो सो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा देन आई विल गो टूवर्ड्स द सेकेंड कॉलम सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम वन इंटू टू इज टू एंड प्लस वन प्लस ज़ीरो इज ज़ीरो सो यहाँ पे टू आ जाएगा देन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम वन वन ज़ा वन प्लस वन वन ज़ा वन 1 plus 1, 2. And second row with the third column. 1 into minus 1 is minus 1. Plus 1 into minus 2 is minus 2. So minus 1 minus 2 is minus 3. Then I will go towards the third row. The first column. Minus 1, 2s are minus 2. And minus 2, 0s are 0. So minus 2 aayega yahan pe. Minus 1 into... I'll go towards the second column. Minus 1, 1's are minus 1. Plus minus 2, 1's are minus 2. So, yahan pe minus 3 aayega. And minus 1 into minus 1 is 1. Plus minus 2 into minus 2 is minus 4. Five. No, it will be plus 5. Kyunki minus 1... Into minus 1 is 1 plus minus 2 into minus 2 is 4. So 1 plus 4 is 5. This is the answer of 80 times A. Can anyone confirm this? Is it correct? Okay. Yes, sir, it is correct. Great. Sir, just in place of 5, I have written minus. Yeah, so please make sure that you do not make such silly mistakes. Otherwise, yahan pe pure marks jaane ka chance hai. Can you do the second one and get the answer, please? Sir, done. Okay, tell me the answer. 2/2 matrix? Ha, sir. 6, 3, 3, 5. Okay, can anyone else confirm this? Yes, sir.
4335 6335 और 4335 6 यस सर 6335 करेक्ट. ओके ग्रेट. ठीक है. सो आई थिंक अब यू गाइज आर कंफर्टेबल विथ मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. तुम्हें टेक्निक भी समझ में आ गई और तुम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं. वेरी गुड. वाओ व्हाट अ क्वेश्चन. ये देखो ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया मैट्रिसेस में. किसी को याद है ट्रिग्नोमेट्री? लास्ट ईयर किया हुआ हमने. इफ यू नो द स्टैंडर्ड. अभी है फिर 10 o'clock है वापस. हाँ सो इफ यू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्री ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू तुम्हें याद हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट वो जो टेबल बनाने की टेक्निक मैंने बताई थी लास्ट ईयर क्लास 9th में, अगर वो टेबल तुम फिर से बना लोगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. बट सपोज तुम भूल चुके हो, मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ. मैं ये दोनों मैट्रिसेस के वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ. कॉस 60, ये जो कॉस 60 होता है दैट इज इक्वल टू 1/2. कॉस 60 इज 1/2. ठीक है. साइन 30 और कॉस 60 हमेशा इक्वल होते हैं. साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 भी 1/2 होगा. ठीक है. दैट इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग इट. 1/2 इंटू 2 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1. फिर साइन 30 मैंने अभी बताया था कि साइन 30 1/2 होता है. साइन 30 1/2 इंटू -2 विल बी -1. टेन फोर्टी फाइव इज -1045 है और टेन 45 की वैल्यू होती है 1. टेन 45 की वैल्यू होती है 1. ठीक है. तो ये हो जाएगा -1 और कॉस 0. कॉस 0 होता है 1. कॉस 0 इज 1. सो दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे कॉट 45. याद रखो टेन 45 और कॉट 45 ये दोनों 1 होते हैं. कोसेक 30. अब मुझे कोसेक का टेबल याद नहीं है लेकिन मुझे ये पता है कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है. साइन का रेसिप्रोकल है. सो कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30. कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30. साइन 30 कितना है? 1/2. 1/1/2 विल बी इक्वल टू 2. तो यहाँ पे आएगा 2. सेक 60 की वैल्यू मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे पता है सेक 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 60 एंड कॉस 60 1/2 होता है. तो 1/1/2 अगेन 2 आएगा यहाँ पे. और साइन 90 की वैल्यू मुझे याद है 1 है. बस इसको मल्टीप्लाई करना है. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स नॉट अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन और एनीथिंग लाइक दैट. द ओनली थिंग विद दिस इज द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू डोंट रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज द टेबल्स देन यू विल हैव ट्रबल इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो तुम्हें टेबल बनाना सीख लेना चाहिए. किसी को भी अगर याद करना है तो मैं मेरे लास्ट ईयर का वीडियो भेज सकता हूँ जहाँ पे तुम आराम से वो वीडियो वो जो टेबल है वो कैसे लर्न करना है वो सीख जाओगे एंड देन यू कैन डू इट. ठीक है. सो इसका आंसर तुम निकाल सकते हो. इफ़ एनीवन हैज़ गॉट द आंसर प्लीज़ लेट मी नो. सर -1 1 -1. एक मिनट, चार एलिमेंट होने चाहिए. हाँ सर -1 1 1 -1. -1 1 1 -1. ओके ओके. कैन एनीवन कंफर्म ये करेक्ट है? ओके ग्रेट ग्रेट. यस सर. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है.
ट्रू और फॉल्स है। चलो कर लेते हैं फटाफट, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स है ये। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए बी एंड सी आर मेट्राइसेस ऑफ द ऑर्डर 2 बाई 2। ए बी और सी तीनों स्क्वायर मेट्राइसेस है ऑफ द ऑर्डर 2 बाई 2। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है ये तुम्हें बताना है। चलो वेट 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 ऋषि वेट। चलो ऋषि ने बोल दिया तो ऋषि फर्स्ट है। ऋषि फर्स्ट वाला क्या बोला तुमने, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? सर बिकॉज़ द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। यू आर राइट, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट एडिशन इज कम्यूटेटिव। राइट, ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यश। यश, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes, it is false. You are right. Why? Because you cannot cannot subtract two matrices in any order. In fact, you cannot subtract anything in any order. किसी भी दो नंबर को, चाहे वो real numbers हो या फिर matrices के form में, उसको किसी भी order में multiply करोगे तो answer same नहीं आएगा. तो subtraction में commutativity नहीं होती है. Okay. B product, B का product है C के साथ और उनका प्रोडक्ट ए के साथ है और फिर बी का प्रोडक्ट सी टाइम्स ए के साथ है। सो दिस इज एसोसिएटिविटी, नियति, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट शुड बी फॉल्स, राइट? इट्स पॉसिबल, I don't think so. Is it there? मेरे को चेक करना पड़ेगा यार, मेरे को लगता है नहीं है। टेक्स्टबुक में पूरे पार्ट में लिखा हुआ है। एक मिनट, let me just see. Okay, so मेट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है। सो थ्री मेट्राइसिस कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द आंसर विल बी सेम। ओके ग्रेट, सो दिस इज वन थिंग विच आई, इट कम्प्लीटली वेंट ऑफ माई माइंड। सो प्लीज रिमेंबर दैट एसोसिएटिविटी के लिए मेट्राइसिस कंपैटिबल है। ओके, व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इज इट पॉसिबल? Distributivity possible है? Yes, let me sir. Check that. Okay, in matrices multiplication is distributive over addition, और over subtraction के लिए भी distributivity possible है। मतलब ये भी true है और ये भी true है, ये दोनों भी true हो गए। Even ये भी true होगा ना, ए माइनस बी टाइम्स सी इज ए टाइम्स सी माइनस बी टाइम्स सी, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। जस्ट चेक द आंसर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ट्रू आ रहे हैं, पीछे आंसर सही है क्या? यस सर। ओके ग्रेट, व्हाट अबाउट सेवेंथ वन? आई फील इट इज फॉल्स सर, इट इज फॉल्स, या बिकॉज एलजेब्रिक, अलजेब्रा फॉर फैक्टर, yeah, algebraic identities cannot be applied. Even this is false then, right? Please check कर लो एक बार, yeah, ठीक ठीक, okay. So ये तुम्हारा matrices chapter पूरा complete हो गया यहाँ पे. Now comes the homework part. तो homework में देखो तुम्हारे पास दो एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, ये सारे जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं। एक बार काउंट करके बता दो कितने बोर्ड के क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम्हें, 9D में और सी में भी हो सकते हैं कुछ, सी और डी, 9C और डी में बोर्ड के क्वेश्चन कितने हैं, प्लीज काउंट इट एंड टेल मी इन योर टेक्स्ट बुक। 12 क्वेश्चंस इन बोथ द एक्सरसाइजेस? यस सर। इन टोटल सर? नो, इट इज 14। इज इट 14 और 12 और मोर?
सर इट इज 14 बट वन वी हैव डन द सेवेंथ वन. ओके ओके सो देर आर 13 क्वेश्चन रिमेनिंग राइट. Anyways, so whatever the number is, 13, 14 or more, all the questions are to be done by you as homework. This is your homework. This is only your homework. ठीक है? इतना कर लोगे तो तुम्हारा matrices ready हो जाएगा. Tomorrow, we are going to do remainder and factor theorem. It's a very small chapter. शायद कल के दिन में हम लोग complete कर सकते हैं इसको. ठीक है. सो उसका जो भी वीडियो है मेरे पास वो मैं तुम्हें भेज देता हूँ. एटलीस्ट यू कैन वॉच एंड बेसिक उसका रेडी कर लो आज. आज छुट्टी है तुम्हारी, कल भी सुबह क्लास लूँगा मैं. सो प्लीज़ बी रेडी. और ये क्वेश्चन ये सारे आज ही कंप्लीट कर लो मेट्राइसिस के, और आज ही सबमिट करना है इसको. ठीक है, टुडे इज़ द सबमिशन, अभी कर लो इसको. ठीक है, सो विल सी यू टुमारो देन.